नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय स्टीफन थिमोशेंको। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर बुक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, और अगर आप टॉप बुक लिस्ट देखेंगे अपने इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए तो इस बुक को सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। आखिर क्या है इस बुक में, ये पार्ट वन है जिसे एलिमेंट्री थ्योरी एंड प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। थर्ड एडिशन लेकर आया हूं आपके सामने। चलिए करते हैं इस बुक का फुल रिव्यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्राइस टैग को, प्राइस टैग यहां से मिटा दिया गया क्योंकि मुझे ये न्यू अवेलेबल नहीं हो पाई थी, तो मैंने ये सेकेंड हैंड बुक ली है। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो आपको 442 पेज इसमें देखने को मिलते हैं। ये एक थर्ड एडिशन है, जिससे पहले दो एडिशन आ चुके थे। अब बात करें इसके अंदर के मटेरियल की तो प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन में क्या था, सब कुछ में बताया गया है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलता है वो बोलता है नोटेशंस, मतलब किस सिंबल को किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है और क्या उसका मीनिंग है, यहां पर वो चीज समझाई गई है। आगे चलते हैं, आगे चल के नोटेशंस की एक और आपको बहुत सारी पंक्तियां मिल जाती है। यहां पर बात करें कंटेंट्स की तो कंटेंट्स में बता दूं आपको कि ये तो चैप्टर है, ये जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक जो दिया गया है वो इसके अंदर हेडिंग्स है जो इसके अंदर बताया गया है। पहले चैप्टर का नाम है टेंशन एंड कंप्रेशन विद इन द इलास्टिक लिमिट, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयरिंग फोर्स, स्ट्रेसेस इन लेटरली लोडेड सिमेट्रिकल बीम्स। इसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ लेटरली लोडेड सिमेट्रिकल बीम्स, स्टेटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम्स इन बेंडिंग सिमेट्रिकल बीम्स ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, बेंडिंग ऑफ बीम्स इन ए प्लेन व्हिच इज नॉट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सियल लोड थ्योरी ऑफ कॉलम्स, टोर्जन एंड कंबाइंड बेंडिंग एंड टोर्जन, स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट, कर्व्ड बार्स। इसके बाद अपेंडिक्स दिए गए हैं, अपेंडिक्स में आपको मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरियाज मिलेगा। इसके बाद अपेंडिक्स बी में आपको कुछ टेबल्स मिलेंगे। इसके बाद ऑथर इंडेक्स है और सब्जेक्ट इंडेक्स है। इस बुक में जब आप चैप्टर वन पढ़ने बैठेंगे तो आपको नंबर वन हेडिंग मिलेगी, उसके बाद आप इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप दूसरी हेडिंग पे आओगे जो हमारी है हुक्स लॉ। इसके बाद आप आएंगे एक न्यू सेक्शन पे जो है प्रॉब्लम्स के नाम से, मतलब यहां पर इन्होंने लगभग दो हेडिंग यहां पर दे दी है और दो हेडिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉब्लम्स दे दी गई है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। इसको प्रोज कहूं या कॉन्स कहूं कि प्रॉब्लम्स बहुत कम है। दूसरी बात ये जो सही बात मुझे लगी, प्रॉब्लम के ठीक नीचे आंसर दिया गया है, प्रॉब्लम टू इसका आंसर यहां पे दे दिया गया है, सॉल्यूशन यहां पे दे दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर थ्री इसका सॉल्यूशन यहां पे दे दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर फोर इसका आंसर यहां पे दे दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर फाइव इसका आंसर यहां पे दे दिया गया है, प्रॉब्लम सिक्स इसका सॉल्यूशन यहां पर दे दिया गया है, प्रॉब्लम सेवन और सात के बाद सीधा तीन दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनवीं प्रॉब्लम है, इसका मतलब है जो हेडिंग दो उपसला यहां पर कंप्लीट हुई थी, अब यहां पर तीसरी हेडिंग है, इनको समझाया गया है। समझाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग वर्किंग स्ट्रेस आ गया, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉब्लम यहां पे प्रॉब्लम नंबर वन इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन दे दिया, टू इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर थ्री और इसका सॉल्यूशन यहां पर दे दिया गया है, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर फोर इसका सॉल्यूशन यहां पर दे दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर फाइव इसका भी सॉल्यूशन आपको यहां पर दे दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर सिक्स इसका आंसर दे दिया गया है, सेवन का आंसर दे दिया गया है, एट का भी आंसर दे दिया गया है, नाइन का सॉल्यूशन दे दिया गया है, टेन का आंसर। आपको मैं बता दूं जिनके आंसर दिए गए हैं सब जो में शॉर्ट में केवल आंसर मैच कर सकते हैं, आप उससे सॉल्यूशन नहीं देख सकते। जिनमें डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है उसमें बताया गया है कि कहां से क्या कैसे आया, तो आंसर का मतलब है एक फाइनल आंसर आपको दिखा दिया जाएगा जिससे आप मैच कर सके लास्ट में, और सॉल्यूशन का मतलब है यहां पर कि आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग आ चुकी है, फिफ्थ हेडिंग, उसका उसकी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम स्टेप से। सिक्स्थ हेडिंग यहां पर आ चुकी है, उसकी प्रॉब्लम्स यहां पर दे दी गई है। उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, सेवेंथ हेडिंग यहां पर आ चुकी है,
इसकी प्रॉब्लम्स यहां पर दे दी गई है, एट हेडिंग यहां पर दी गई है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर दे दी गई है। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो अगर पहले चैप्टर से ही हम इस पूरी बुक की थोड़ी सी अंदाजा लगाएं तो पता लगता है कि हर एक हेडिंग के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे नेक्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं ये हेडिंग कंप्लीट हुई, उसका प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम्स काफी कम मात्रा में देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी है बहुत ही सिंपल मैनर में बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप एक मीडियम टाइप के स्टूडेंट्स हो कि जस्ट आपको समझ में आ जाता है इंग्लिश का पढ़ा हुआ, ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, बशर्ते इससे पहले आपने स्टैटो मटेरियल की एक बुक पढ़ी हुई हो, बेसिक सी नॉलेज हो तो आपको ये बड़ा इजीली समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से इसमें हेडिंग है, हेडिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स की संख्या भी थोड़ी कम ही है। जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको देखने को मिलता है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए के अंदर आपको एक द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया विच रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ इट्स प्लेन, उसको अच्छे से समझाया गया है और उसके बाद उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम दे दी गई है। मतलब अपेंडिक्स में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं मिलेगी बट मिलेगी जरूर प्रॉब्लम्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग प्रॉब्लम्स। अगर हम थोड़ा आगे जाए और अपेंडिक्स बी की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको अपेंडिक्स बी देखने को मिलता है जिसमें टेबल्स दी गई है, तो टेबल्स यहां पर आप मैच कर सकते हैं इनकी वैल्यूज आपको चाहिए होती है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। उसके बाद आपको ऑथर इंडेक्स मिल जाता है, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे आप और उसके बाद आपको मिल जाता है सब्जेक्ट इंडेक्स। अभी ऑथर इंडेक्स क्या है, इसमें सभी ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, शॉर्ट में जो शो हो रखे हैं उनका फुल नेम यहां पे दिया गया है, किस पेज पे है ये भी बताया गया है। बात करें सब्जेक्ट इंडेक्स की तो टॉपिक्स के नाम या कौन कौन से इसके अंदर टर्म्स यूज हुई है उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस प्रकार ये स्टैंडर्ड मटेरियल, अगर आप ओनली पर्पस फॉर न्यूमेरिकल्स लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए नहीं है। अगर आप केवल थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप इस बुक की ओर जा सकते हैं। अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, इतनी भी बड़ी बुक नहीं है, फिर भी अगर आपको ये छोटी लग रही है तो छोटी मान के मत चलना, काफी डीपली कॉन्सेप्ट इसमें छिपे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की हर एक बुक की जो रिव्यू हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, ताकि आप बुक को परचेज करने से पहले एक बार देख जरूर लें कि इस बुक में आखिर है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।